दोस्तों मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आज ये वर्लपूल का पीसीबी है, इन्वर्टर एसी का, आउटडोर वाला। तो आज हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसमें क्या खराब निकलता है। और इसके ये दो IGBT, एक PFC का, एक कंप्रेसर को चलाने वाला पहले से निकाल रखे हैं। ये PFC का है बड़े वाला, ये कंप्रेसर वाला है छोटे वाला। तो ये पहले से इसमें से निकाल रखे हैं, मतलब पहले से किसी ने इसको छेड़ रखा है। तो आज हम इसे चेक करेंगे, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने बोर्ड यहाँ पर रख ली है और ये वर्लपूल का बोर्ड है, इन्वर्टर एसी का, आउटडोर का है, इनडोर का भी इसका आया हुआ है। ठीक हो जाएगा तो हम इसको चेक भी कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें फेस न्यूट्रल दे दी है, एक ये फ्यूज पर और एक ये ब्लू वायर पर। तो ये यहाँ से होती हुई यहाँ लाइन फिल्टर में आ जाएगी, लाइन फिल्टर से आगे जाती हुई इस रेक्टिफायर में आएगी। तो हमने इसमें पावर दे दी है और पावर हमने इसमें सीरीज में दी है। और ये मीटर है, इसको एसी वोल्टेज पर लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन आनी चाहिए सबसे पहले तो लाइन न्यूट्रल। तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास 142 वोल्ट सीरीज में लगा रखा है अभी हमने। और इसके बाद ये रेक्टिफायर के सेंटर में आने चाहिए ये सेम वोल्टेज। इसमें इंडक्टर आप देख सकते हैं बोर्ड में ही लगाया हुआ है, बाहर अलग से लगा हुआ नहीं है। ये यहाँ पर डायोड लगा हुआ है इसी के PFC सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। और ये 6 IGBT लगे हुए हैं, एक इसमें से निकाला हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, ये आप देख सकते हैं निकाला हुआ है यहाँ से। तो हम इसको चेक करते हैं, हमने पावर इसमें दे दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेट ड्राइवर IC है जो 3-phase गेट ड्राइवर है। जब ये वाले 6 IGBT अलग से लगे होते हैं तो उसके लिए गेट ड्राइवर IC लगाई जाती है, अलग अलग 3 भी लगाई जा सकती हैं। तो ये एक ही लगा देते हैं, ये एक आती है 3-phase गेट ड्राइवर, ये एक से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कैपेसिटर भी पहले किसी ने चेंज किया हुआ है। तो इस कैपेसिटर पर सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर हमें DC वोल्टेज मिलने वाले हैं तो DC वोल्टेज की रेंज पर हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है। तो बोर्ड को हमने इनडोर के साथ नहीं जोड़ रखा है, कंप्रेसर भी कनेक्ट इसमें नहीं है, तो इसमें गेट ड्राइव नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर 6 IGBT लगे हैं, सबसे पहले हम इसी IC को चेक करेंगे क्योंकि इसका एक IGBT पहले से ये ख़राब है और ये किसी ने निकाला है। तो हम सबसे पहले गेट ड्राइवर IC को ही चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अमीटर, एक गेट है और ये इसका कलेक्टर है, ये इसका कलेक्टर है, ये इसका कलेक्टर है। तो गेट और अमीटर पर अभी ये ऑफ कंडीशन में है तो हमें 0 वोल्टेज रिसीव होने चाहिए, मिलने चाहिए 0 वोल्टेज यहाँ पर गेट और अमीटर के बीच में। तो ये इसका अमीटर है, ये इसका गेट है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगाया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें गेट और अमीटर के बीच में हाफ वोल्टेज मिल रहे हैं, सॉरी मीटर रिवर्सल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें गेट और अमीटर के बीच में हाफ वोल्टेज मिल रहे हैं जो नहीं मिलने चाहिए, 0 वोल्ट मिलने चाहिए हमें यहाँ। उससे अगले IGBT पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1.3433 इतने वोल्टेज मिल रहे हैं, 1.338। तो यहाँ पर हमें 0 वोल्टेज मिलने चाहिए, कुछ भी वोल्टेज मिलेंगे तो IGBT एक्टिवेट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो यहाँ हमें 0 वोल्टेज मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों यहाँ भी 3 वोल्ट आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा, IGBT पूरा ही ऑन हो जाएगा 3 वोल्ट में। तो यहाँ पर तो ये पूरा तो नहीं ऑन होगा, थोड़ा सा ऑन हो जाएगा और उड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट नहीं होने चाहिए, 0 वोल्ट होने चाहिए। तीनों ही IGBT पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहे हैं गेट ड्राइव जो नहीं आने चाहिए, फिलहाल बंद की कंडीशन में 0 आना चाहिए। इस तरफ वाले हम देखेंगे IGBT। तो ये इसका अमीटर है, ये इसका गेट है। तो यहाँ देखेंगे हम तो 0 वोल्ट है, ये सही है।
और यहाँ पर हम देखेंगे तो 0 के बहुत नज़दीक है, 0.03 वोल्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी सेम है। तो इस तरफ की ड्राइव ठीक है साथियों, लेकिन इस तरफ वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ आए या इस तरफ आए, आएंगे इसी आईसी से। तो ये आईसी हम पहले निकालेंगे बाहर, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये आईसी हमने बाहर निकाल दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि गेट और अमीटर के बीच में 10K वगैरह की रेजिस्टेंस लगी है या नहीं लगी है। अगर गेट और अमीटर में 10K की रेजिस्टेंस नहीं लगी है तो बिना आईसी के, तो बिना इस वाली गेट ड्राइवर आईसी के आपको इसमें पावर नहीं देनी है। अगर आपने पावर दे दी बिना 10K की रेजिस्टेंस गेट और अमीटर के बीच में, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, तो पावर दे सकते हैं। अगर ऐसे ही पावर दे दी तो सारे IGBT उड़ जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आपको श्योर करना है कि यहाँ पर गेट और अमीटर के बीच में, गेट और अमीटर के बीच में 10K की रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं ये 10K की रेजिस्टेंस है और ये अमीटर है, ये गेट है। तो गेट और अमीटर के बीच में ये 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इधर से ये गेट से कनेक्ट है, इस तरफ से अमीटर से कनेक्ट है। तो ये सभी IGBT में है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। तो ये रेजिस्टेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वाली 10K की रेजिस्टेंस जो गेट और अमीटर के बीच में लगती है, इसके बिना बोर्ड को अगर पावर ऑन कर दिया गेट ड्राइवर निकालने के बाद, तो ये IGBT उड़ जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें। तो साथियों यहाँ से आप देख सकते हैं ये IC हमने निकाल दी है और हम इसकी अब ये वाली इनपुट चेक करेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आते हैं। एक प्रॉब हम अपनी रखेंगे ग्राउंड पर, ये रख लिया हमने ग्राउंड पर, यहाँ ये आप देख सकते हैं ग्राउंड पर रख लिया। और ये दूसरी प्रॉब से हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे जो कि यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस ठीक आनी चाहिए। तो पहली हमारी इनपुट ये है, तो यहाँ हम चेक करेंगे तो हमारे पास, चौरानवे ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, 94 ओम, जो ठीक नहीं है, गलत है आना इसका। और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 73 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, जो बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 5 किलो ओम की, तो वो 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस की रेटिंग हमें शो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर शो हो रही है, बाकी पहले वाली 2 में नहीं शो हो रही है। उसके बाद हम अगले में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास पूरी सही आ रही है, 5.1 किलो ओम, ये सही है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी ठीक है, 5 किलो ओम आ रही है। तो ये वाली आईसी तो साथियों हमने निकाल दिया, यहाँ तो कुछ शॉर्ट होने का चांस नहीं है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अपनी वैल्यू सही बतानी चाहिए। अब हम पीछे चलेंगे यहाँ माइक्रो कंट्रोलर पर, ये माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो कंट्रोलर की ये वाली आप देख सकते हैं, शुरू वाली जो 6 पिन है, ये वाली 6 पिन यहाँ से लेकर 6, तो ये वाली पिन साथियों ड्राइव देंगी ये IGBT को चलाने के लिए, तब ये कंप्रेसर को चलाएंगे IGBT। तो इन्हें हम चेक करेंगे ग्राउंड के साथ, तो हम इसे डायोड मोड पर कर लेंगे। डायोड मोड पर करने के बाद यहाँ हम पहली पिन पर चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमें डायोड की रीडिंग ना मिलकर 5150। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें डायोड की रीडिंग ना मिलकर 0.057 मिल रही है ड्रॉप वोल्टेज, जो कि गलत है। अगली पिन देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है,
तो ये ठीक है पिन। इसके बाद अगली पिन देखेंगे तो यहाँ भी हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ भी मिल रही है, फिर नेक्स्ट यहाँ भी मिल रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमें नहीं मिल रही है डायोड की रीडिंग, 0.030 मिल रही है सिर्फ वोल्ट ड्रॉप वोल्टेज, जो कि गड़बड़ है। और इसके बाद हमें मिल रही है, तो यहाँ भी हमें दो पिनों पर गलत रीडिंग मिल रही है, और यहाँ भी हमें ऊपर भी हमें दो पिनों पर गलत रीडिंग मिल रही है। तो यहाँ से तो हमने आईसी निकाल दी है, और कोई ट्रांजिस्टर वगैरह बीच में लगा हुआ नहीं है। ये यहाँ से प्रिंट सीधे आप देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से आकर सीधे यहाँ माइक्रो कंट्रोलर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है साथियों, ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो चुका है और ये बोर्ड रिपेयर होगा नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से आप बोर्ड को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं बोर्ड रिपेयर होगा कि नहीं होगा। अगर हम चाहें तो इस तरह की वीडियो डालने से इग्नोर भी कर सकते हैं कि ना डालें इस तरह की वीडियो, लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में बोर्ड रिपेयर हो सकता है, किस कंडीशन में हमें करना चाहिए, उसमें आगे काम किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।